धीमी शुरुआत के बाद आबकारी बंदोबस्त रफ्तार पकड़ने लगा है। बंदोबस्त को सफल बनाने में आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा का प्रशासनिक कौशल देखने को मिला है। दो दौर में 9 चरण की नीलामी के बाद बंदोबस्त 70% से ज्यादा पहुंच गया है। हालांकि जयपुर शहर का प्रदर्शन लचर रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस महीने में बंदोबस्त को 100% तक पहुंचा दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। धीमी शुरुआत के बाद अब आबकारी बंदोबस्त गति पकड़ने लगा है। आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा के प्रयास रंग दिखाने लगे हैं। मार्च में आबकारी बंदोबस्त के पहले दौर की 6 नीलामी में जहां प्रदेश भर में 664 दुकानें ही नीलाम हो पाई, वहीं दूसरे दौर में 3 प्रयासों में 2221 दुकानों को नीलाम किया गया। इससे पहले कुल 2501 दुकानों का नवीनीकरण हुआ। प्रदेश में कुल 7665 दुकानें आबकारी बंदोबस्त हैं, जिनमें से महज 2501 दुकानें ही नवीनीकृत हो पाई। इसके बाद मार्च में 6 चरणों में शराब की दुकानों का ई ऑक्शन शुरू किया गया, लेकिन गारंटी राशि ज्यादा होने से शराब कारोबारियों ने महज 675 दुकानों को लेने में रुचि दिखाई। ऐसे में प्रदेश में शराब की 4489 दुकानों की नीलामी नहीं हो पाई। इससे आबकारी विभाग को एक सप्ताह में ही 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। आबकारी बंदोबस्त की विफलता से नाराज प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा, FSR सुरेश गुप्ता और आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने इसके बाद विभाग के नॉन परफॉर्मर अधिकारियों को न केवल फटकार लगाई बल्कि 7 अधिकारियों को APO कर दिया। बंदोबस्त को सफल बनाने के लिए आयुक्त चेतन देवड़ा ने सभी अधिकारियों से 1-to-1 संवाद कर नीति के प्रावधानों को सरल और व्यावहारिक बना दिया। जिले में मिले प्रस्तावों के अनुरूप गारंटी में 30% तक कमी की और इसके नतीजे बेहद ही सुखद रहे। आबकारी बंदोबस्त का दूसरा चरण 8 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें 1519 शराब की दुकानें ई ऑक्शन के जरिए नीलामी के लिए रखी गई, जिनमें से 899 दुकानों की नीलामी हुई। इसके बाद 11 अप्रैल को 708 और 12 अप्रैल को 614 दुकानों की नीलामी ई ऑक्शन के जरिए हुई। आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने बताया कि समन्वित प्रयास और सघन मॉनिटरिंग का सुखद परिणाम रहा। दूसरे दौर की तीसरी नीलामी में 2221 दुकानों को नीलाम किया गया। इस तरह 70% से ज्यादा का लक्ष्य आबकारी बंदोबस्त को मिला है। इस सफलता के बाद राजधानी जयपुर से निराशा मिली। जयपुर में अभी भी शराब कारोबारी दुकानों को लेने में रुचि नहीं दिखा रहे। जयपुर शहर में कुल 404 शराब की दुकानें हैं, इनमें से 110 का नवीनीकरण हुआ है, जबकि 9 प्रयासों में 105 दुकान ही ऑक्शन में उठ पाई। अभी जयपुर शहर में 189 दुकानें बंद है। दूसरी तरफ जयपुर ग्रामीण की परफॉर्मेंस सुधरी है। जयपुर ग्रामीण में 251 में से 160 दुकानें नवीनीकृत और नीलाम हुई। आबकारी विभाग सरकार को राजस्व देने वाले विभागों में अग्रिम पंक्ति में है। अब देखने वाली बात है कि आखिर कब विभाग बंदोबस्त को सफल बनाकर राजस्व के मोर्चे पर अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।